Hello friends, I am Upendra Chaudhary. Welcome back to our channel Murti Wood Floors Private Limited. In this video we are going to discuss about wooden flooring accessories. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम की थी कि आप हमारे वीडियोस में अपने फीडबैक दें, अपने सजेशंस दें और अपने रिव्यूज़ शेयर करें. सो आपने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया हमारे वीडियोज़ को और आप लोगों की हेल्प से हमारे एक लास्ट HPL के वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ मिले हमें और काफ़ी पॉजिटिव उसका रेस्पॉन्स मिला. सो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मली जो होता है लोग वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन उसकी जो एसेसरीज होती हैं वो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो देखा है 9 ईयर्स का, तो काफ़ी जगह एसेसरीज़ की प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको पूरी एसेसरीज़ के बारे में बताया जाएगा. सो फ्रेंड्स, मैं अभी चलेंगे दूसरे केबिन में, वहाँ पे चल के आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या एसेसरीज होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जो एसेसरीज़ की हम बात करने जा रहे हैं उस एसेसरीज में सबसे पहले मैं आपको एक वुडन फ्लोरिंग प्लैंक्स दिखाने जा रहा हूँ. ये बेसिकली दिस इज़ वुडन फ्लोरिंग प्लैंक. ये 8 इंचज़ वाइड होता है एंड 8 mm थिक एंड 4 फीट लॉन्ग. सो जो जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं फ्लोर में, तो फ्लोर में इंस्टॉल करने के बाद में इसकी जो स्कर्टिंग होती है, जो सराउंडिंग द वॉल यूज की जाती है, उस स्कर्टिंग में हम दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो ट्रेडिशनल जो ऑप्शन होता है वो कि आप इसके दो पोर्शन कर सकते हैं बेसिकली. इस वुडन फ्लोरिंग के ये बेसिकली 8 इंचज़ वाइड होता है, इसकी अगर हम 2 पीस करते हैं तो 4 4 इंचज़ की स्कर्टिंग आप सराउंडिंग द वॉल यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा एक जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ये ऑप्शन होता है कि इस ऑप्शन में जो स्कर्टिंग होती है वो 4 इंचज़ वाइड होती है, 3 इंचज़ वाइड होती है, मतलब डिफरेंट रैंडम विड्थ के अंदर अवेलेबल होती है और ये ऊपर से कर्व होती है, कर्व फॉर्मेट के अंदर होती है. सो जो जब इसको लगाने के बाद जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही सुपीरियर फिनिशिंग आती है. सो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि आप इसको भी एक ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल लेटेस्ट वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज यूज की जा रही है वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन के साथ में. इसी के साथ एक हमारे पास जब हम वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल करते हैं तो वुडन कहीं कहीं पर क्या होता है, पार्टीशंस होते हैं, कहीं कहीं पर ग्लास फैब्रिकेटेड वर्क होता है, तो जहाँ पर इस तरह की पार्टीशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे हम स्कर्टिंग कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, ना हम कट पैनल की यूज़ कर सकते हैं ना ही हम रेडीमेड स्कर्टिंग यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पे मैं आपको दिखाने जाऊँगा, हमारे ऑफिस में एक इंस्टॉल हमने किया हुआ है. ये बेसिकली बिडिंग होता है, इसको क्वार्टर राउंड बिडिंग बोलते हैं. सो ये क्वार्टर राउंड बिडिंग आप सराउंडिंग द पार्टीशन और सराउंडिंग द वॉल, ग्लास वॉल, आप इसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पास 3 टाइप्स की बिडिंग और रिड्यूसर प्रोफाइल और नॉच प्रोफाइल, ये सब अवेलेबल होती हैं. इन प्रोफाइल की अगर बात करें तो मैं एक अभी आपको एक दिखाने जा रहा हूँ. बेसिकली ये एल शेप की प्रोफाइल होती है, जो आप इसको स्टेयर्स नोज की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एरिया कुछ रेज एरिया होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो सेकंड प्रोफाइल हमारे पास होती है वो बेसिकली रिड्यूसर होती है. नॉर्मली वुडन फ्लोरिंग का जो एज होता है एंड में डोर्स के पास में, इसी वुडन फ्लोरिंग को यूज़ किया जाता है. ये बेसिकली रिड्यूसर होता है, इट इज़ यूज एंड एंडिंग एरिया ऑफ द वुडन फ्लोरिंग. एंड थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो थर्ड ऑप्शन में हम टी प्रोफाइल यूज़ करते हैं. बेसिकली ये टी प्रोफाइल होती है, टी प्रोफाइल मीन्स कि इसको वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अंदर का लेवल और बाहर का लेवल, जहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ की है दोनों का लेवल इक्वल है, तो दोनों का लेवल इक्वल जहाँ पर है तो बीच में हमें गैप देते हैं. गैप इसलिए दिया जाता है ताकि वुड को थोड़ा एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन के लिए कुछ मार्जिन मिल सके, तो उस पॉइंट की जगह हम टी प्रोफाइल यूज़ की जाती है. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज के बारे में बताया. नॉर्मली वुडन फ्लोरिंग लोग लगा लेते हैं और काफ़ी जगह उसको यूज भी करते हैं, लेकिन काफ़ी साइट्स मैंने ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे हम वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज कोई भी यूज़ नहीं करता है. सो आप अपने जब भी वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल करें घर में, तो आप वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज का स्पेशल ध्यान दें ताकि ये उसकी पूरी फिनिशिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके. इसके अलावा हम काफ़ी लंबे टाइम से हम वीडियो बना रहे हैं, सो उसमें आपका हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है
सो उसी फॉर द सेम आप इस वीडियो में भी अपने लाइक इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशंस दें, अपने फीडबैक दें, सो दैट आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो को डिसाइड कर सकें क्या सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को की डिमांड करते हैं, किस चीज़ पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। सो मेरी हमारा वीडियो बनाने का जो कंसर्न है वो सिर्फ यही है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को हम दे सकें, सो दैट आपको वुडन फ्लोरिंग से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना हो। एक नॉर्मल जो मिथ है हमारे लोगों हम लोगों के अंदर कि वुडन फ्लोरिंग पानी से ख़राब हो जाती है, सो ये भी आपका एक बहुत ही वैलिड रीज़न है क्योंकि वुडन फ्लोरिंग बेसिकली वाटर प्रूफ होती है, वो एक अलग काइंड की फ्लोरिंग होती है। हम नॉर्मली जो वुडन फ्लोरिंग यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, दैट इज़ ओनली वाटर रेजिस्टेंट। तो आप इसको जो यूज करेंगे तो आप इस पर कोई वॉश नहीं कर सकते वुडन फ्लोर को, यू कैन ओनली मॉप इट एंड यू कैन ओनली ड्राई इट, आप इसको वॉश नहीं कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली सिंपल एक इस पर पोछा लगा सकते हैं। और जो दूसरी तरह की फ्लोरिंग होती है आप उसको वाटरप्रूफ कह सकते हैं और आप उसको वॉश कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट होता है जो वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन जो अगर ऑर्डिनरी अगर बात की जाए इकोनॉमिकली तो लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग जो यूज़ की जाती है इंडिया के अंदर 90% लोग इकोनॉमिकल वुडन फ्लोरिंग यूज़ करते हैं और वो वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज की कहीं ना कहीं पे कमी छोड़ देते हैं जो कि हमें काफ़ी जगह देखने को अपने एक्सपीरियंस के अंदर मिलती है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनना चाहिए ये आप अपना सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।